रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मेट्रिक क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों का यूनिट फोर पॉइंट फोर जो है काज़ एंड इफ़ेक्ट एसेज है ठीक है अच्छा काज एंड इफ़ेक्ट एसेज की एक्सरसाइज़ वन जो है ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ लेकिन मैं नोट्स की सूरत में आप लोगों को दूंगा ऑलरेडी कंप्लीट बुक के नोट्स होंगे और ये एक्सरसाइज टू भी लेकिन आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ लेविश स्पेंडिंग ऑन वेडिंग्स जो काज एंड इफ़ेक्ट का एक ऐसे है तीन एसेज दिए गए हैं एक ऐसे मैंने लिखा है ठीक है लाइविश स्पेंडिंग्स ऑन वेडिंग्स ठीक है अच्छा ये देख लें आप लोग इंट्रोडक्शन काज वन इफेक्ट वन काज टू इफेक्ट टू सजेशन कंक्लूजन ठीक है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वेडिंग्स और मैरेजेज सेरेमनीज शुड बी सेलिब्रेटेड विद सिंपल सिटी विद फैमिली क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ये इंट्रोडक्शन है ठीक है Spending a lot of money on marriage ceremonies is not something preferred. There is no denying that uh, weddings is an occasion to celebrate as it happens once in a lifetime. The problem arises when people want to have a lavish wedding and spend a lot of money, money that uh, in most cases they don't have. Spending borrowed money on a wedding is not a wise idea. लेविश वेडिंग डू मोर हार्म देन गुड्स वाइल मैरिंग कपल्स शुड बी अलाउड टू चूज द काइंड ऑफ वेडिंग दे शुड है दे शुड बी अंडर नो कंपलशन टू थ्रो लैविश पार्टीज देट दे के नॉट अफोर्ड ये इंट्रोडक्शन था अच्छा कुछ इंट्रोडक्शन जो है हम लोगों ने मतलब कुछ नेट से लिया है कुछ अपना मिक्स किया है in these days marriages have become a show of wealth and affluence the rich people spend a huge amount of money on the marriage of their sons and daughters they simply want to impress their friends relatives and other members of society with this show of wealth along with poor people also borrow a handsome amount in order to celebrate their children's marriage ceremonies consequently they spend द होल लाइफ दे रिमेन इन डेब्स इस द लेविश द होल लाइफ इन डेब्स ठीक है इससे ऐसे भी लिख सकते हैं द होल लाइफ इन डेब्स ठीक है द लेविश स्पेंडिंग्स आल्सो लीव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी नेक्स्ट अच्छा इसको जो कॉज है और इफ़ेक्ट्स है दोनों में मैंने मिक्स किया है इसको ठीक है ये कॉन्सिक्वेंटली वर्ड्स जो दिखाए देख रहे हैं आप लोग ठीक है तो मतलब दोनों को मिक्स किया है इसमें काज वन और का इफेक्ट वन को इट हैज़ बीन नोटेड दैट मैनी फंक्शन आर अरेंज ऑन द ऑकेजन ऑफ मैरिज सिंगिंग एंड डांसिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ आर बुकड फॉर ट्रेडिशनल डांस इन आर्डर टू फॉलो द सो कॉल्ड इनहेरिटेड कल्चर ठीक है अच्छा इंट्रोडक्शन सिर्फ मैंने कुछ हेल्प ली है नेट से बाकी सब अपने तरीके से किया है हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट आर इन्वाइटेड एंड द फंक्शन इज सेलिब्रेटेड विद फुल गलेटर द फैमली ऑफ द फैमिलीज ऑफ द ब्राइट एंड ग्रून ट्राई टू सुपर सेट ईच अदर इन द शो ऑफ वेल्थ मैनी डिशेज आर कुकड एंड सर्व टू द गैस मच ऑफ द फूड गोज वेस्ट द फंक्शन कंटिन्यूज द होल नाइट फायरिंग टेक्स प्लेस विदाउट एनी हैंड्स इन नो टाइम द लाइफ कैन बी इन डेंजर ड्यू टू कंटिन्यूअस फायरिंग अब देखो इन नो टाइम द लाइफ विल बी ड्यू टू ये देखो ये इफेक्ट्स को और काजिज़ को कनेक्ट कर रहा है ये कनेक्टिंग कनेक्टर्स हैं ये द डांसिंग एंड सिंगिंग आर आल्सो हार्मफुल फॉर द मोरालिटी ऑफ द पीपल हु पार्टिसिपेट द सेलेब्रेशन सजेशन जो है नेक्स्ट पैराग्राफ थर्ड फोर्थ पैराग्राफ इट इज सजेस्टेड दैट लॉज शुड बी फ्रेम्ड टू फोर्स इन फोर्स सिंपल सिटी इन वेडिंग्स एंड मैरेजेज द डॉरी सिस्टम मस्ट बी डिस्करेज द लॉ ब्रेकर्स मस्ट बी पनिश्ड सेवर्ली The parents of both sides should also show the act of sobriety. Dancing, singing, throwing money in the air, firing, and multiple dishes should be avoided. Simplicity should prevail from the beginning to the end of the marriage. All in all your conclusion last me. All in all, simple the simple marriage having no show off is the most beneficial for both the bride and groom. After the ceremony, they have to लिव प्रैक्टिकली इन द लाइफ दे लिव रियली बी नीडेड द अमाउंट टू लिव हैप्पीली दे आर टू सेव द अमाउंट इज दे लिव द लाइफ हैप्पीली एंड ईजीली आफ्टर द वेडिंग सेरेमनी ठीक है तो ये काज एंड इफेक्ट ऐसे एक मैंने लिखा है आ, इसका है लेविश स्पेंडिंग ऑन वेडिंग्स ठीक है नेक्स्ट ऐसे जो है माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज़ भी लिखा है और हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसज़ ये मैं बाद में अपलोड करूँगा I love you.